ये देख रहे, मैंने जो बताया है सभी वीडियो में पूरा एकदम डिटेल में बताया हूँ, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और ट्रेनिंग की बात है तो ट्रेनिंग चलेगी बहुत जल्द। यहाँ पर हम इसलिए वीडियो बना रहे हैं क्योंकि मेरे फार्म का काम चल रहा है, पुराने दर्शकों को मालूम है, यहाँ पर हम वीडियो बना रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेंद्र मौर्य, मौर्य आईटी गोल्ड फार्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा फार्म बन रहा है, इसकी वजह से मुझे घर पर बनाना पड़ रहा है यह वीडियो। इस समय 9 बज रहे हैं रात के और इस समय मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों आज हम लोग बात करें बकरी को कौन सा इंजेक्शन कितने डोज में देना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कल मैं कमेंट पढ़ रहा था या फिर हमारे ग्रुप में, जो हमारा चैनल का ग्रुप है उसमें, या फिर कहीं पे मैंने पढ़ा कि कह रहे थे कि सर हमें तो मालूम होता है कि इंजेक्शन लगाना है लेकिन इसको कितने डोज में लगाना है। मेरा ना लोग इंजेक्शन भी मालूम है कि कौन सा इंजेक्शन है और किस में काम करेगा, ये उसका डोज नहीं मालूम है हमको। जो मेन दवाएं बकरी फार्म में यूज करना है हमको, बकरी पालन में जो मेन दवाएं होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कौन कौन सी दवाएं जो मेन है उनको रखनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बगैर बकरी पालन नहीं हो सकता। अगर आप बकरी पालक है तो आपको थोड़ा बहुत इंजेक्शन लगाना आना चाहिए। मैं कल या परसों अपलोड कर दूंगा वीडियो जिसमें मैं बताऊंगा कि बकरी को मांस में इंजेक्शन कैसे लगाना है आपको, क्योंकि बहुत जरूरी होता है कि मांस में ज्यादातर इंजेक्शन जो होते हैं मांस में लगते हैं, एक दो इंजेक्शन को छोड़कर, जैसे वैक्सीन वैक्सीन हो गया वो चमड़ी में लगेगा, या फिर आइवरमेक्टिन जो होता है जो जू चिचड़ के लिए आता है वही सबकट लगता है, नहीं तो सभी लफ्सों में आई एम आई भी। तो चैनल साथ जुड़े रहेंगे तो हर तरह का वीडियो मिलेगा। तो ये हम लोग देखते हैं जो मुख्य दवाएं है ना उसे डोज हम लोग कैसे लगाएंगे। देखिए मुख्य दवा पहला लेते हैं हम लोग दर्द बुखार सूजन के लिए, तो हर बकरी पालक को अपने फार्म पे दवा रखनी चाहिए। पहला दवा है जो है मेलोनेक्स प्लस, ये सभी के फार्म पे होना चाहिए दवा। इसका जो डोज है वो है 10 केजी की, अगर बकरी आपकी है उसको आप देंगे 1 ml, ठीक मांस में लगाना है आई या इंट्रा मस्कुलर, ये सबके पास होना चाहिए, क्योंकि दर्द इसका देखिए रिजल्ट बहुत अच्छा है। दर्द हो, बुखार हो, सूजन हो, सर्दी हो, जुखाम हो, वहां पे बहुत अच्छा काम करता है। बकरी को ठंड लग जाती है वहां पे रिजल्ट इसका बहुत अच्छा है। दूसरा इंजेक्शन के साथ बढ़ते हैं पेट दर्द, जो दो दामों से आता है स्पाइडिक, ठीक इसका जो डोज है आप 10 से 15 केजी पर आप 1 से 2 ml दे सकते हैं, ठीक है ना, ये भी आईएम लगेगा, मांस में भी लगेगा। उसके बाद स्पास्मोवेट आता है, स्पास्मोवेट, ठीक है ना, स्पास्मोवेट जो आता है उसका भी डोज वही है 10 से 15 केजी, यहाँ पे भी केजी रहेगा, 10 से 15 केजी पे 1 से 2 ml आप दे सकते हैं, ठीक है ना। ये दोनों हो गए, ये हो गया आपका देखिए थोड़ी मेरी हिंदी में मैं क्योंकि मात्रा जो होता है ना हिंदी का वो उल्टा सीधा लिख देता हूँ, ठीक है ना, आप समझ सकते हैं, इंग्लिश में थोड़ी ठीक है मेरी। और ये दर्द बुखार, बुखार में क्या करेगा, बुखार और दर्द, ये दो हो गया, ये बुखार दर्द सूजन समय काम करे, ये पेट दर्द में बहुत अच्छा काम करता है स्पाइडिक वेट और स्पास्मोवेट, ठीक है दोस्तों। ये तीन हो गए, एक तो ये हो गया मेलोनेक्स प्लस बुखार दर्द बुखार सूजन के लिए, दूसरा ये दोनों, दोनों से कोई एक लेना आपको, पेट दर्द अगर बकरी को हो रहा है, शरीर रोता रही है, बार बार पेशाब कर रही है, बोल रही है, तो आप इसमें दोनों में से 15 किलो पे आप 1 ml भी दे सकते हैं, 15 किलो पे आप 2 ml भी दे सकते हैं, लेकिन 10 किलो पे
एक ही मिलता है, ठीक ना। इसके बाद अगला इंजेक्शन जो है वो बहुत चर्चित है, मोनोसेफ, ठीक ना। ये ह्यूमन का इंजेक्शन आता है जिसमें साल्ट होता है सेफ्ट्रियाजोन। तो आपको क्या 15 से 20 किलो की बकरी को आपको 250 mg लगाना है। ये एंटीबायोटिक है, सर्दी जुखाम बुखार हो गया बकरी को तो एंटीबायोटिक की जगह पे मुंह में छाले हो गए, घाव हो गया कहीं पे, तो उसको सुखाने के लिए आप मोनोसेफ जो है ना बहुत अच्छा काम करता है, ठीक। तो मोनोसेफ आप 250 एमजी में भी आता है, 500 में भी आता है, 1 ग्राम में भी आता है, 1.5 ग्राम में आता है। तो अगर 15 से 20 किलो की अगर बकरी है, बच्चा है या बकरी है, तो आप 250 एमजी लगा सकते हैं। अगर ये 20 से 30 केजी है ना, 20 से 30 केजी का है, तो आप 500 एमजी लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप 500 एमजी लगाइए, है ना। आप 50 केजी प्लस है, 50 केजी प्लस है, तो आप 1 ग्राम लगा सकते हैं, ठीक ना। तो ये जो डोज है ये अनुमानित है, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए हम फील्ड करते हैं तो आप अपने हिसाब से देख लेता हूँ, तो 10 किलो पे भी 250 एमजी लगाए हैं और 20 किलो के 25 किलो पे हमने 1 ग्राम भी लगाए हैं। तो डिपेंड करता है कंडीशन, कंडीशन नॉर्मल है तो आप लगा सकते हैं, कम भी लगा सकते हैं, कंडीशन ज्यादा खराब है तो आप हाई डोज की तरफ जा सकते हैं, ठीक ना। मोनोसेफ के बाद हम आते हैं अगला इंजेक्शन एंड्रोफ्लॉक्सासिन। एंड्रोफ्लॉक्सासिन ये भी एंटीबायोटिक है, ये दोनों एंटीबायोटिक है, ठीक है। ये दोनों एंटीबायोटिक है, ठीक। तो एंड्रोफ्लॉक्सासिन है, इसका जो डोज होता है 10 केजी पर 1 ml। ये जितने मैंने इंजेक्शन लगाए हैं सभी को आपको मांस में लगाने हैं, क्योंकि नस में आप लोग नहीं लगा सकते, नस में लगा सकते हैं तो या आई भी लग सकता है। जो मोनोसेफ है ना आपका, इसको आप आई भी लगा सकते हैं, ठीक। आई एम मांस में आई एम और ये भी आई एम और ये भी, ये आई भी का है, ठीक। आई एम भी और आई एम दोनों रूप से लग सकता है, इंट्रामस्कुलर इंट्रावेनस, ठीक ना। आई वी का मतलब इंट्रावेनस, आई एम का मतलब इंट्रामस्कुलर। तो जहां जहां आई एम इसको लगा सकते हैं, आई एम इसको लगा सकते हैं, आई एम और एंड्रो, आई एम आई वी दोनों आता है। तो डिपेंड करता है जो होता है ना बाइल, जो होता है उसका बाइल उस पर रहता है, उसका डोज जो होता है डोज भी रहता है कि कितना एमजी में है वो। दूसरे में उस पर लिखा रहता है आई एम है कि आई वी है, तो उसको देख लेना चाहिए एक बार जरूर। तो ये हो गए जो लमसम मेन है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो एक एंटीबायोटिक आती है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, ठीक। इसका भी डोज जो है 10 केजी पर 1 ml, ठीक ना। टेन के जी पर 1 ml। इसकी ड्रॉबैक है आई वी और आई एम दोनों लगता है। इसमें प्रॉब्लम है ये जलन देता है, जलन देता है। दूसरे में इसको प्रेग्नेंट पशु को नहीं लगाना है, गाभिन को नहीं लगाना है, दूध दे रही बकरी उसको नहीं लगाना है, या खस्सी में आप यूज कर सकते हैं। सर्दी जुखाम बुखार एल्कोलोसिस एसिडोसिस बाटल चढ़ाना है तो आप इसका यूज ले सकते हैं, ठीक। तो हो गया आपके, इसमें बच क्या रहा है अपना जो मेन इंजेक्शन है ना बकरी पालन में जो यूज होते हैं मेन इंजेक्शन, मेरोनेक्स दर्द बुखार सूजन के लिए, पेट दर्द के लिए स्पाइडिक वेट
स्पास्मोमेट हो गया, मोनोसेल बेनरो और आक्सी, ये जो है तीनों एंटीबायोटिक जो हर फार्मर को रखने चाहिए। ठीक, सर्दी जुकाम बुखार में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, इसका भी बहुत अच्छा है। एसिडोसिस है, क्लोसिस है, पेट में पानी बोल रहा है, पशु का भी नहीं, तो आप इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, या फिर इसको भी दे सकते हैं। अलग अलग उस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि ये आग से जैसे मतलब कि कौन से बीमार में कौन सा एंटीबायोटिक अच्छा काम करता है। ठीक, ये होगा। उसके बाद एक आता है जीत सीपीएम, ठीक ना, जीत यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, नीचे लिखा नहीं जा रहा है, जीत। ठीक, इसका जो है आई एम ए लगेगा 10 kg पर 1 ml। ये एंटी एलर्जिक होता है, ठीक ना, एलर्जी को रोकता है। साथ में एक और अभी बच रहा है अपना, कौन सा, नहीं बेला भाई, कैमरे में दिख रहा है ऊपर का बेला माइल। ठीक, इसको भी आपको लगाना है क्योंकि इसमें लीवर रिस्ट्रिक्ट रहता है, आई भी नहीं लग सकता, इसको लगाना आई एम 10 kg पर 1 ml। ठीक, तो ये जितने मैंने मेडिसिन मतलब 10 में 10 नहीं लेकिन 10 में से 8 इलाज आप कर सकते हैं। ये जो इंजेक्शन है इसका रूट है और डोज है। बेलामाइल को आपको लगाना है आईएम, जीत को लगाना है आईएम, मेलोनेक्स प्लस आईएम लगेगा क्योंकि पैरासीटामॉल होता है, पैरासीटामॉल आई भी नहीं लगाया जाता है। ठीक है, स्पार्टिवेट आईएम, स्पास्मोवेट आईएम, मोनोसेप आई भी आईएम, एंड्रोफ्लॉक्सेसिन आईएम लगाना आपको, और डोज इधर देख ही रहे हैं आप, ऑक्सीटेटरसेकिन आई भी आईएम। ठीक ना, उसके बाद एक और इंजेक्शन आ रहा था और यहाँ पे दिख रहा है ना, एक आता है ट्राइब्यूएट, ये जो होता है आई भी आई एम 10 kg और 1 ml। इसका जो काम है बकरी को उठने बैठने चलने में दिक्कत हो रहा है वहां पे आप यूज कर सकते हैं। साथ में एक आता है और इंजेक्शन न्यूरो काइन प्लस आरएफ, इसका भी डोज वही है 10 kg पर 1 ml, दिख रहा है ना पूरा। ठीक है, इसका भी डोज वही है और ये भी आई भी आई एम। ठीक, आपको ये ध्यान देना है आई बी आई एम ए भी है, आई बी आई एम ए भी है। उठने बैठने में नस संबंधी प्रॉब्लम है, ठीक ना, नस और नस संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है, उठने बैठने चलने फिरने में दिक्कत है, तो आप न्यूरो का ट्राइब्यूएट लगा सकते हैं, वही डोज रहेगा 10 kg पे 1 ml, ये भी उसका डोज भी यही रहेगा, न्यूरो का प्लस आरएफ का भी 10 kg पे 1 ml। ये सारी मेडिसिन आपको रखना है ना, ये बहुत जरूरी है। साथ में एक मेडिसिन और मैं बता दूँ आपको, ये जितनी मेडिसिन बताई है एक ये जो है प्रेगनेंसी अनसेफ है पीएस ना, ये जो ऑक्सीटेटरसेकिन प्रेगनेंसी अनसेफ है, प्रेग्नेंट पशु को नहीं लगाना है। उसके बाद जितने मेडिसिन मैंने बताई आपको सभी को आप प्रेग्नेंट पशु को लगा सकते हैं। ठीक ना दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।